हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सब लोग कैसे हैं? आज फिर मैं इतिहास में रितेश कुमार सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्जामपुर चैनल हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए, जिसका एग्जाम बहुत 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 ही जल्द होने वाला है। पूरी संभावना है कि अगस्त में इसकी एग्जाम हो जाएंगी। हालांकि मुझे भी पता है कि आप लोग लगातार 3 साल से परेशान है, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि इसकी एग्जाम अगस्त तक हो जाएगी। तो आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। और कल जो हमने शुरू किया था, यानी कि भारत में संवैधानिक सुधार, और उसके साथ डेली हम लोग कुछ स्टैटिक्स क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं जो इतिहास की दृष्टि से विविध है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ लगातार हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज भी पार्ट टू में कुछ संवैधानिक सुधार से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आए हुए हैं। तो उस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इतिहास के विविध क्वेश्चंस भी हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप लोग तुरंत ऑनलाइन आइए, अभी सिर्फ 5 ही लोग दिख रहे हैं। तुरंत बढ़ते चलिए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पिछले क्लास से किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग तुरंत हमसे पूछ लें, और नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? राम राम मास्टर जी, बिल्कुल राम राम भाई, मेरी तरफ से सबको राम राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए। आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। पूनम मलिक, नमस्ते सर जी, जय महादेव। चलिए जय महादेव, नमस्ते सर जी। और चलिए अब हम क्वेश्चन के तरफ धीरे धीरे मूव करते हैं, और क्वेश्चन के तरफ मूव करने के साथ साथ ही हम लोग देखेंगे चीजों को और समझेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं क्योंकि ये दिखेगा नहीं आप लोगों को मेरे ख्याल से। हाँ, अब ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोविजन वाज मेड फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग, फटाफट इसका आंसर दीजिए। प्रवीण कुमार, आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए। यानी कि निम्नलिखित अधिनियमों में से, यानी कि भारत में जब अंग्रेज आए तो उन लोगों ने लगातार कुछ न कुछ सुधार करने की कोशिश की। पहले शुरुआती दौर में तो उन लोगों के जो कंपनियां थी, उन कंपनियों में ही भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कई सारी कमियां मौजूद थी। तो उन कमियों को सुधार करने के लिए उन लोगों ने लगातार अधिनियम के माध्यम से कुछ न कुछ सुधार किए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न यही है कि कौन से अधिनियम के माध्यम से, बोल रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया, यानी कि सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधानित किया गया। चलिए ये बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, इसका क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए ये फटाफट हमें आप लोग बता करके दिखाइए कि कौन थे। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलिजा एम्पे थे। कौन थे? इलिजा एम्पे और इनके साथ तीन और लोग थे, चैम्बर लिमेस्टर और हाइड। यानी कि जो 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी बंगाल में, यही बात बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात बोल रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? तो इलिजा एम्पे थे। और यहाँ पे उसके जो तीन सदस्य थे वो चैम्बर, लिमेंस्टर और हाइड, ये 3 लोग थे। कौन थे भाई? चैम्बर, लिमेंस्टर और हाइड थे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में बताइए आप लोग, भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय के अस्वीकार करने का अधिकार मिला? कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा भारत के गवर्नर को, सर हिस्ट्री बेस्ट बुक कौन सी है, मार्केट से कोई सा भी एक देख लीजिए जो आप लोग के एग्जाम को टारगेटेड करके निकाला गया है, वो आप लोग ले लीजिए, कोई सा भी एक ले लीजिए, नहीं तो सबसे बेहतर तो मुझे लगता है कि लूसेंट होगा, लूसेंट भी आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? बाय विच एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गॉट द राइट टू रिजेक्ट द डिसीजन ऑफ हिज कमिटी, यानी कि अपने कमिटी के बातों को अस्वीकार करने के लिए, उसको रिजेक्ट करने के लिए किससे मिला? तो सिंपल सी बात है कि एक हमारा नाम आता है कर्नवालिस, कर्नवालिस भारत में कर्नवालिस साहब आए थे, पिट्स का इंडिया एक्ट आया था 1784 ईस्वी में, तो ये वही कर्नवाली साहब हैं जो अमेरिका के प्रथम, जो अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम होता है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, इस स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना अध्यक्ष थे, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में ये ब्रिटिश सेना अध्यक्ष थे और वहां पे ये हार चुके थे। इनकी खास बात थी कि कर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, यानी कि सिविल सेवा का जन्मदाता, सिविल सेवा का जन्मदाता, सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है? तो भाई कर्नवालिस साहब ही है, सिविल सेवा के जन्मदाता है, और इन्होंने पुलिस सेवा के बारे में भी व्यवस्था की थी, और ये जुड़े हुए थे किससे? तो जो वहां पे ब्रिटिश में जो राजा महाराजा हैं उनके फैमिली से इनका रिलेशन था कर्नवाली साहब का। तो कर्नवाली साहब भारत में आकर के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार कर ले, इसके लिए 1786 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया जिसमें ये बात कहा गया कि गवर्नर जनरल को, यानी कि कर्नवाली साहब को, मतलब जो निर्णय है उस निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार है। तो यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे 1786 ईस्वी के एक्ट में कर्नवाली साहब को यह अधिकार दिया गया था कि वो अपने समिति के द्वारा पास किए गए किसी भी निर्णय को अस्वीकार कर सकते थे। तो ये सिर्फ कर्नवाली साहब के लिए आया था, और कब आया था भाई? तो 1786 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन के बारे में बताइए क्या है ये? ये बोल रहा है कि लोक सेवाओं, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? चलिए फटाफट हमें बताइए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? वो कौन सा एक्ट था जिसमें ये बात कही गई थी कि भारत में और इंग्लैंड में दोनों जगह एक साथ परीक्षाएं करानी चाहिए? पीट्स का इंडिया एक्ट भी कर्नवालिस को लेकर के ही आया था, कंफ्यूज नहीं होना है। पीट्स का एक्ट जो आया था वो 1784 ईस्वी में आया था, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन था कि अपने बातों को पलट सकते हैं, तो वो 1786 ईस्वी में ही आया था, 1786 का एक्ट था। यहां पे ध्यान दीजिए, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? कुछ लोगों का आंसर डी आर है, नहीं बिल्कुल नहीं, डी नहीं, एचिसन आयोग भी नहीं है। एचिसन आयोग ने तो एग्जाम कराने से मना कर दिया था, बोला था कि नहीं दो जगह एग्जाम नहीं होनी चाहिए 1887 ईस्वी में, तो वो छोड़ दीजिए, एचिसन आयोग ने मना किया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार सन 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और इसी सुधार से ये बात कही गई, इसी सुधार में ये बात कही गई कि भारत में और इंग्लैंड में एक ही साथ एग्जाम होना चाहिए, दोनों जगह होना चाहिए, इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति दी। और इन्हीं के बाद आप देखेंगे कि भारत में 1926 ईस्वी में ली कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग, किसकी? लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। किसकी की गई भाई? लोक सेवा आयोग की स्थापना
की गई, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। कब की गई भाई? तो 1926 ईस्वी में। कौन से सिफारिश? 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, या जो 1919 का अधिनियम था, उसी अधिनियम में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कहा गया था कि भारत में और इंग्लैंड में दोनों जगह चुनाव, सॉरी नट चुनाव, दोनों जगह सिविल सर्विसेज का एग्जाम होना चाहिए। और इसी के आधार पे सन 1926 ईस्वी में ली कमीशन आया था। ली कमीशन के बाद लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। सन 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, यानी कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में ये बात कही गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताइए। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था, कब स्वीकार किया गया था, कब स्वीकार किया गया था, यानी कि सिद्धांततः, यानी कि किस एक्ट में प्रतियोगिता परीक्षा की बात की गई थी, यानी कि नागरिक सेवा में, यानी कि सिविल सर्विसेज में जो आईएएस पीसीएस होता है वर्तमान समय में, वो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल अधिकारी होते थे। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज वॉज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल, कब उसको स्वीकार किया गया था, इन प्रिंसिपल कब स्वीकार किया गया था सिविल सर्विसेज आंदोलन को। सॉरी दिव्या सिंह, वाह सर जी, थैंक यू, धन्यवाद सत्या। 1853, बिल्कुल लोकेश बेनीवाल, यू आर राइट, 1853, यानी कि 1853 ईस्वी का जो एक्ट था, किस एक्ट में, यानी कि 1853 ईस्वी के एक्ट में प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया, यानी कि जो भर्ती किए जाएंगे सिविल सेवा में वो अब किसी के रिश्तेदार, दोस्त और रिकमेंडेशन वाले और सिफारिश वाले नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए क्या किया जाएगा, एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से क्या किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा। तो ये 1853 ईस्वी में यानी कि 1853 यानी कि 1853 ईस्वी के जो एक्ट आए थे, उस एक्ट में इस बात को स्वीकार किया गया था। 1853, धर्मवीर शेखावत, बिल्कुल सही, 1853। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग। बोल रहा है कि निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय तथा साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा एक ही साथ कहां कहां आयोजित किया गया, मतलब कहां कहां का मतलब भारत में और इंग्लैंड में, लेकिन वो जगह भी बता दीजिएगा भारत में कहां पे हुआ था और किस वर्ष से हुआ था। 1853 ईस्वी में एक्ट तो आ गया था प्रतियोगिता परीक्षा। पलक बंसल, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। मोहित गुप्ता, HSSC ने कब स्टार्ट किया? ना ना भाई, HSSC नहीं, हरियाणा सिविल सर्विस नहीं, वो इंडियन सिविल सर्विस की बात हो रही है। धर्मवीर शेखावत, 1853, ठीक है, 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा की बात तो आ गई थी, लेकिन वो प्रतियोगिता परीक्षा इंग्लैंड में जाकर के देना होता था। जैसे आज आप लोग एग्जाम का फॉर्म भरते हैं या सिविल सर्विसेज का, आईएएस पीसीएस का, अगर कभी फॉर्म भरने का मौका मिले तो जरूर भरें आप लोग। तो जब आप भरेंगे तो आपको सेंटर कहाँ मिलेगा? दिल्ली मिलेगा, कलकत्ता मिलेगा, बेंगलुरु मिलेगा, चेन्नई मिलेगा, या जितने कैपिटल्स हैं वहां पे मिलेगा। क्रेजी जतिन, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सेइंग गुड इवनिंग। तो लेकिन यहाँ पे 1853 के बाद जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती थी वो भारत के बाहर इंग्लैंड में जाकर के तब एग्जाम देना होता था, भारत में नहीं होता था एग्जाम। लेकिन वो कौन सा वर्ष है जब से आप देखेंगे कि भारत में और इंग्लैंड में दोनों जगह एग्जाम होने लगा? तो ये आंसर होगा सन 1922 ईस्वी से इंग्लैंड के साथ साथ कहां पे होने लगा भाई? तो इंग्लैंड के साथ साथ इलाहाबाद में भी परीक्षाएं होने लगी। कहां पे परीक्षाएं होने लगी? यानी कि प्रयागराज में, जो वर्तमान समय में इलाहाबाद के नाम से कुछ दिन पहले तक जाना जाता था। सत्या, 1922, बिल्कुल सही, 1922, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सबसे प्रथम वो भारतीय हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र सत्तू, आप लोगों ने फिल्म देखा है शादी में जरूर आना, सत्येंद्र, वही सत्येंद्र जी हैं, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्तू अर्थात सत्तू,
यही बने थे सबसे पहले भारतीय, प्रथम भारतीय सिविल सर्विस थे। तो चलिए यहाँ पे आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्या है, ये बोल रहा है कि किस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीनी के व्यापार पर, चीनी नहीं होगा यहाँ पे, चाय व चीन होगा, चाय व चीन, नॉट चीनी, चाय व चीन, चाय व चीन के व्यापार पर एक अधिकार समाप्त किया। चलिए इस सवाल का जवाब बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सत्य। 1863 1863 में ही बने थे वो प्रथम भारतीय जो सिविल सर्विस, सिविल सेवा में गए थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के व्यापार पर एक अधिकार समाप्त किया। भाई तो 1813 में एक एक्ट आया था, लेकिन इस 1813 के एक्ट में ब्रिटिश का एक अधिकार तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय व चीन के साथ इसका व्यापार कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन जब हम बात करेंगे 1833 के एक्ट का, तो इस 1833 के एक्ट के माध्यम से चाय और चीन दोनों के व्यापार पर से एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, चार्टर एक्ट 1833, यानी कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था चाय और चीन के व्यापार पे, उसको भी समाप्त कर दिया गया। क्लियर, सभी लोग समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, बिल्कुल यू आर राइट सत्या, लोकेश बेनीवाल टी, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारी के अधिकार को खो दिया। वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया यहाँ पे, यानी कि ये जो 1833 ईस्वी का जो एक्ट था, इसी के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारी के एक अधिकार को खो दिया। तो कब खो दिया भाई, तो 1833 ईस्वी के एक्ट में चाय के अधिकार को और चीन के साथ जो व्यापार करने का एक अधिकार मिला हुआ था वो सब खो दिया 1833 ईस्वी के एक्ट में। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसके बारे में बताइए, ये क्या कह रहा है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के अंतर्गत 1853 1858 1861। ये बताइए कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जिस अधिनियम के तहत भारत का जो जो सत्ता थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस लेकर के जो ब्रिटेन के क्राउन थे उनके हाथों में सौंप दी गई, यानी जो ब्रिटेन की महारानी थी वहां की उनके हाथ में सौंप दी गई। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, 1858, यस बिल्कुल 1858 ईस्वी में। ऐसा खास बात क्या था कि 1858 ईस्वी में भाई, तो 1857 में एक विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह, और ये विद्रोह बहुत भयंकर था जो बहुत लंबे समय तक चला, तकरीबन थोड़ा बहुत रुकते रुकते करते करते ऐसे एक साल तक लगभग ये चला था, 1858 तक चला था ये विद्रोह, 6 महीना तो मिनिमम चला था। तो 1858 में उस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1858 में एक इसी विद्रोह के कारण 1858 में एक एक्ट लाया गया, एक एक्ट लेकर के आया गया, क्योंकि जो कंपनी थी, कंपनी के सत्ता से सभी लोग परेशान थे, तो 1858 में एक्ट लाया, क्योंकि शुरुआती दौर में 20-20 साल के लिए एक्ट की अवधि को बढ़ाई जा रही थी, लेकिन 1853 के बाद जो 20 साल जो 73 में होता, 1858 में ही एक्ट लेकर के आना पड़ा, क्योंकि 1857 का विद्रोह ऑलरेडी हो चुका था, और उसी विद्रोह के बाद 1858 का एक्ट आया, लाया गया, जिसमें क्या किया गया कि जो सत्ता है वो किसके हाथ में चली गई, क्राउन के हाथ में चली गई। और यहीं से आप देखेंगे कि भारत के जो गवर्नर जनरल होते थे, अब उनको गवर्नर जनरल नहीं कहा जाने लगा, बल्कि अब इनको वायस राय कहा जाने लगा, बिल्कुल वायस राय कहा जाने लगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये ध्यान दीजिए, इसके बारे में बताइए, ये क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी कि अध्यादेश जारी करने की, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव द गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, इसको इंग्लिश में क्या बोलता है, ऑर्डिनेंसेस, यानी कि अध्यादेश। आप लोगों ने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा आर्टिकल 123 क्या है, 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो वही चीज है यहाँ पे पूछ रहा है, अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया गया, माने कौन से एक्ट के द्वारा भारत सरकार
कि जो गवर्नर थे वो अध्यादेश जारी कर सकते थे। तो ये एक्ट है 1861 का, द इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को, या जो वायस राय होता था, नॉट गवर्नर जनरल तो नहीं कहेंगे, वायस राय 1857 के बाद वायस राय कहा जाने लगा। तो वायस राय को क्या था भाई, तो अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान कर दी गई। तो वो कौन सा एक्ट था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861 ईस्वी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, बोल रहा है निम्नलिखित में से कम अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषदों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम, यहां पे किस होगा, किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषदों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। तो यहाँ पे सिंपल सा पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था वही 1861 ईस्वी का जो एक्ट आया था 1861, 1861 ईस्वी में ही आप देखेंगे कि बजट पे बहस करने का इन लोगों को मौका मिल गया, लेकिन ये लोग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नॉट 1861, 1892, 1892 ईस्वी में इन लोगों को मिला मौका 1892 ईस्वी में। कारण क्या था वो भी मैं बता देता हूं, वो कारण ये था, ये कारण ये था कि 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। किसकी स्थापना हो चुकी थी, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। और इस कांग्रेस की स्थापना होने के कारण, कांग्रेस की स्थापना होने के कारण जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, ये लोग लगातार ब्रिटिश सत्ता के ऊपर दबाव बनाए हुए थे, और इस दबाव के आगे झुक करके 1892 ईस्वी में, 1892 में बजट पे बहस करने का अधिकार देना पड़ा था। 1892 ईस्वी में बजट पे अधिकार, बजट पे बहस करने का अधिकार देना पड़ा था भारतीय विधान परिषद को, बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो वह 1892 था, वो कारण यह था कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और यही वो कांग्रेस थी जो लगातार, यही वो कांग्रेस थी जो लगातार सरकार पर, ब्रिटिश सत्ता पर दबाव बनाए रखी थी, और जिसमें विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के संख्याओं को बढ़ाने के लिए दबाव दे रही थी। इंडिया में और ब्रिटेन में दोनों जगह प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन के लेकर के दबाव दे रही थी, और साथ ही साथ सैन्य कटौती में कमी को लेकर के दबाव दे रही थी। तो इसी कांग्रेस के दबाव में आकर के ब्रिटिश सत्ता को 1892 ईस्वी में जो काउंसिल एक्ट पारित किया गया था उसमें क्या किया गया था, भारतीयों को बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई, कब हुई, उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना, मैंने बोला कि 1773 ईस्वी के एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन जिसके जिसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे थे। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की स्थापना 1861 ईस्वी का जो एक्ट आया था उसी के द्वारा सन 1862 ईस्वी में किया गया था, 1862 ईस्वी में किया गया था, किसके माध्यम से, जो हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में उसी के द्वारा। तो इसका नियरेस्ट आंसर क्या होगा, 1861। अगर 1862 होता तो बेहतर ऑप्शन क्या होता भाई, तो इसका 1862 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए आप लोग, इसके बारे में देखिए ये क्या है। ये बोल रहे हैं कि अगस्त 1971 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, 1971 नहीं होगा ये 1917 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, 1917, अगस्त 1917 यानी कि 1971 में ऐसा कोई सुधार आया ही नहीं था, कोई घोषणा ही नहीं हुई थी, 1947 में हम लोग आजाद हो चुके थे, तो 71 में घोषणा आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यानी कि अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है भाई, तो मॉन्टेग्यू घोषणा है। उस समय भारत सचिव थे ये मॉन्टेग्यू जी, ठीक है,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है इसको, नॉट चेम्सफोर्ड नहीं, क्योंकि भारत सचिव है ना, तो भारत सचिव के नाम पे वो चला जाता है। ये यहाँ के वायसराय है चेम्सफोर्ड। 1909 वाले को मार्ले मिंटो कहा जाता है, मार्ले साहब सचिव थे और मिंटो साहब यहाँ के वायसराय थे। ठीक उसी तरीके से इसमें क्या होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसको बोला जाता है। तो मॉन्टेग्यू साहब क्या थे भाई, तो ये भारत सचिव थे, इसलिए उन्हीं के नाम पे जाएगा ये, यानी कि मॉन्टेग्यू, यानी कि क्या थे, ये भारत सचिव थे, इसलिए किसके नाम पे जाएगा, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम पे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए, इसके बारे में बताइए आप लोग, इसके बारे में बताइए। बोल रहे हैं कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसको क्यों इतना वो किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, बोल रहे हैं कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है भाई, तो यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह आज भी भारतीय संविधान के जो बहुत सारे प्रावधान है, भारतीय संविधान के मैक्सिमम, यानी कि भारतीय संविधान के अधिकतम प्रावधान 1935 के एक्ट से ही लिए गए हैं। वर्तमान समय में भी जो अधिकतम प्रावधान है भारतीय संविधान के, मैक्सिमम प्रावधान वो कब से है भाई, तो 1935 के एक्ट से ही लिए गए हैं और वहीं से है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, यह एक था एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, यानी कि 1935 के एक्ट के बारे में वो कौन से महापुरुष ने ये कहा था कि ये एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक यह एक कार तो है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक है इंजन नहीं है, ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है, तो वो कौन सा था भाई, वो कौन से महापुरुष थे, तो जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू, इन्होंने क्या कहा था 1935 के एक्ट के बारे में कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है, सिर्फ ब्रेक ही ब्रेक है इसमें, यानी कि इसमें कई सारी समस्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए आप लोग, इसके बारे में बताइए, ये क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, हु सेड दैट, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द चार्टर ऑफ स्लेवरी, यानी कि गुलामी का घोषणा पत्र, चार्टर ऑफ स्लेवरी, यानी कि गुलामी का घोषणा पत्र किसने कहा था भाई, तो ये भी कहने वाले जवाहरलाल नेहरू जी ही हैं, यानी कि इसके बारे में भी कौन बोला था, तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने ही बोला था कि यह एक गुलामी का घोषणा पत्र है, किसके बारे में, तो जो एक्ट था ना, कौन सा, 1935 का एक्ट, उसी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह एक गुलामी का घोषणा पत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है, अब ये हमारा टॉपिक जो अभी तक 15 क्वेश्चन थे वो आपका किन से थे, हिस्ट्री से थे, और ये भी हिस्ट्री से ही है, लेकिन थोड़ा सा ये कल्चर का सेक्शन इसमें आ जाता है, क्योंकि एसएससी इस सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछता है, हरियाणा के एग्जाम जो होंगे आपके सीईटी वाले, एनटीए बेस, उसमें भी इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है, और ये खैर राजा रवि वर्मा वाला तो अभी तक 50 बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में, सत्या पेंटर सी, बिल्कुल बिल्कुल चित्रकारी, यानी कि राजा रवि वर्मा किस चीज से जुड़े हुए थे भाई, तो चित्रकारी से, ये केरल के थे, चित्रकारी से जुड़े हुए थे और वहां के राजा थे, यानी कि राजा रवि वर्मा किस चीज से जुड़े हुए थे, चित्रकारी से, 1904 ईस्वी में करजन के समय में इनको केसर ए हिंद से नवाजा भी गया था, तो इनको उपाधि भी मिली थी, लेकिन राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे भाई, तो ये चित्रकारी में प्रसिद्ध थे, किसमें, तो चित्रकारी में, यानी कि पेंटिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में बताइए आप लोग, ये क्या कह रहा है, बोल रहे कि कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ चिकनकारी मतलब एक कढ़ाई की कला है जो कपड़ों के ऊपर की जाती है, चिकनकारी, अब ये चिकनकारी का मतलब वो चिकन नहीं समझना है एकदम कड़कनाथ वाला, तो ध्यान रखना है, चिकनकारी
चिकनकारी, कौन सी भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, लखनऊ, बिल्कुल सही, लखनऊ, एवरीवन इज गोइंग राइट, लखनऊ, लखनऊ में, लखनऊ में चिकनकारी की कला फेमस है, यानी कि वहां पे कपड़े वगैरह पे, धोती वगैरह पे, कुर्ते पे आप देखेंगे कि एक कला है जिसे, हाँ, केसर ए हिंद, बिल्कुल। तो लखनऊ में चिकनकारी प्रसिद्ध है। चिकनकारी कहाँ पे प्रसिद्ध है भाई? तो लखनऊ में, यूपी की राजधानी है लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए, ये बोल रहा है कि म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास डैश तक हुआ। म्यूरल पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग क्या है? म्यूरल पेंटिंग का विकास भारत में कब से कब तक हुआ, ये बताइए हमें। म्यूरल पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग, द डेवलपमेंट ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स इन इंडिया टुक प्लेस अप टू कब तक, टुक प्लेस अप टू विच टाइम? तो इसका आंसर होगा सेकेंड सेंचुरी बीसी टू टेंथ सेंचुरी, यानी कि दूसरी शताब्दी पूर्व से लेकर के दसवीं सदी तक। ये क्या है? सर जी प्रणाम, बिल्कुल सबको प्रणाम भाई सबको। चलिए यहां ध्यान दीजिए, बोल रहे हैं कि म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास डैश तक हुआ, कब से कब तक हुआ भाई? तो सेकंड सेंचुरी बीसी से लेकर के दूसरी शताब्दी बीसी से लेकर के ईसा के दसवीं शताब्दी तक। ये एक कला है, प्राचीन काल में आप देखेंगे कि मिट्टी के बर्तनों वगैरह पे होता था, यानी कि विभिन्न रंगों को मिला करके ऐसे चित्रकारी करना जो एकदम जीवंत हमें प्रतीत हो, यानी कि विभिन्न रंगों को इसमें मिलाया जाता है, और रंगों को मिला करके उनका संतुलन बना करके चित्रकारी की जाती है, उसको हम बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग। और ये कब से कब? दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के दसवीं शताब्दी ईस्वी तक। चलिए इसके बारे में देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन क्या है? बोल रहे हैं कि हाल ही में सुर्खियों में रहा एक चित्रकार रूप कलमकारी, चित्रकारी का रूप कलमकारी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कलमकारी कहां से संबंधित है ये बताइए, कलमकारी कहां का है, यही क्वेश्चन है, इसके बारे में बताइए। हाल ही में सुर्खियों में रहा एक चित्रकारी रूप कलमकारी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश, बिल्कुल आंध्र प्रदेश, ए आंध्र प्रदेश, कलमकारी, जैसे चिकनकारी, ठीक उसी तरीके से कलमकारी भी है, और ये भी कपड़ों पे कलमकारी चित्रण किया जाता है। और ये कहां पे फेमस है भाई? तो ये आंध्र प्रदेश में फेमस है, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही, यू आर राइट, दिस इज फेमस इन आंध्र प्रदेश, ये कलमकारी, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुका है विभिन्न एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, ये क्वेश्चन SSC द्वारा पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए बताइए इसके बारे में, बिंगंजू एंजेलो, नहीं, डी आंसर है इसका सही, गुड्डू जंगारा, डी मित्र, सी नहीं, डी। तो हम बात करें द लास्ट सपर और मोनालिसा, द लास्ट सपर और मोनालिसा, मोनालिसा का पेंटिंग आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होंगे तो जरूर आप लोग देख लेंगे नेट से निकाल करके। ये दोनों चित्रकारी किसकी है भाई? ये दोनों चित्रकारी है लियोनार्डो दा विंची, या विंसी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसकी चित्रण है भाई? तो लियोनार्डो दा विंची की है। और मेडोना किसकी है? राफेल की है, मेडोना।
ठीक है, मैडोना किसकी है? तो राफेल की है। माइकल एंजेलो की है, आपने पूछा ना, मुस्की यादव एंजेलो की भी बताना सर। डेविड और पियथा है, डेविड और पियथा वो चित्रकारी नहीं है, मूर्तिकला है। डेविड और पियथा, माइकल एंजेलो, डेविड एंड पियथा, माइकल एंजेलो, डेविड और पियथा, डेविड और पियथा, पियथा ये किसकी है भाई? तो माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो। डेविड और पियथा किसकी है? तो माइकल एंजेलो की है, डेविड एंड पियथा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए आप लोग। इसके बारे में बताइए, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स की हम बात कर रहे हैं, मधुबनी पेंटिंग। मित्र ओके सर, लोकेश बेनीवाल, माइकल की कौन सी है सर जी? बता तो दिया, डेविड और पिया था, माइकल एंजेलो। सत्या बिहार, मित्र यूपी नहीं, यूपी से नहीं है, ये बिहार का है मधुबनी पेंटिंग्स। कहां का है भाई? मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी एक जिला का भी नाम है बिहार में, मधुबनी पेंटिंग्स बहुत फेमस है। और इसको पहले दीवारों पे, झोपड़ियों की जो दीवारें होती थी उस दीवारों पे लोक कलाओं से संबंधित एक लोक कला है, और जिसके ऊपर पेंटिंग की जाती है, और मधुबनी पेंटिंग देखने में भी बहुत बेहतरीन होता है। जो आजकल बिहार में ट्रेन जा रही है वो सभी ट्रेन को मधुबनी पेंटिंग से पेंटिंग किया गया है। मोदी जी भी लगातार इस चीज को पूरे विश्व स्तर पे फैला रहे हैं। तो ये बिहार का एक लोक चित्रकला है जिसका नाम है मधुबनी पेंटिंग्स, और वो बिहार में है, और बिहार में एक जिला भी है मधुबनी, और वहीं से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। ये बोल रहा है कि किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो इनका नाम था अतुल डोडिया ने महात्मा गांधी पे एक चित्रकला की श्रृंखला बनाई थी। उनका नाम क्या था? अतुल डोडिया। चलिए अतुल डोडिया ये किस समकालीन चित्रकला के महान, मतलब किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो वो अतुल डोडिया थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए आप लोग। ये बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा? मधुबनी कला है, क्या है ये? बिल्कुल सिंपल है, इस सवाल का तो जवाब दे दीजिए कम से कम। अतुल, बिल्कुल अतुल सही आंसर है इसका, इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। ये बोल रहे हैं कि मधुबनी कला क्या है? तो इसके बारे में बताइए आप लोग। ये बोल रहे हैं कि कहानी कहने की कला, नहीं, ये कहानी कही जाती है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं, कहानी भी नहीं कही जाती है। गुजरात की कला नहीं, बिहार में प्रचलित लोक कला, ये बिल्कुल सही है। शहद निकालने की कला, क्या ये शहद निकालने की कला है क्या? नहीं, ये क्या है भाई? तो बिहार में प्रचलित एक लोक कला है, फोक आर्ट है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देखिए आप लोग। ये बोल रहा है कि चायरल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह संबंधित है कहां से? चायरल की जगह चारियुल भी लिखा जा सकता है, घबराना नहीं है, चारियुल चित्रकला, चायरुल या चायरल, इसके बारे में बताइए। आप लोग, ये बोल रहा है कि चायरुल या चायरल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, डैश राज्य से संबंधित है, इसके बारे में बताइए। चारियुल या चायरल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, डैश राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से संबंधित है ये? चारियुल, सी तेलंगाना, ऑफ कोर्स, बिल्कुल यू आर राइट लोकेश बेनीवाल, इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, तेलंगाना, यानी कि चारियुल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही,
डैश राज्य से संबंधित है, तो ये कहां से है भाई, तो तेलंगाना, तेलंगाना। और कलमकारी कहां से थी, तो आंध्र प्रदेश से थी, कलमकारी आंध्र प्रदेश से थी। चलिए ये लगातार, ये देखिए चायरल या चारियुल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, डैश राज्य से संबंधित है, तो कहां से संबंधित है भाई, तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है, कहां से संबंधित है, तो तेलंगाना राज्य से। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये इसके बारे में बताइए आप लोग, इसके बारे में बताइए, फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है, फुलकारी। कलमकारी आंध्र प्रदेश, बिल्कुल। धर्मवीर शेखावत तेलंगाना, बिल्कुल सही है। विकास लांबा, बिल्कुल फुलकारी, बिल्कुल सही। एनटीपीसी का ये पूछा गया क्वेश्चन है, फुलकारी चित्रकला कहां से प्रसिद्ध है भाई, तो ये पंजाब में, ये फुलकारी जो चित्रकला है कहां फेमस है, तो पंजाब, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में ये फैली हुई है फुलकारी, उत्तर प्रदेश में नहीं है। फुलकारी होती क्या है भाई, तो ये बहुत ही सिंपल है कि जो धागे होते हैं ना, ऊनी ऊनी धागे जिनसे स्वेटर वगैरह बुना जाता है, उनसे विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करने की तकनीकी है, और ये फुलकारी कहाँ पे पाई जाती है, तो पंजाब के क्षेत्र में, और फिर पंजाब के साथ साथ ही आप देखेंगे कि उत्तराखंड के क्षेत्र में। चलिए आप लोगों को एक दो चीजें दिखा देता हूं, आप लोगों यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक चीज आप लोगों को बताना है, ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग जो पेंटिंग्स पीछे आया था उसका फिगर आप लोग देख लीजिए एक बार, ये देखिए मोनालिसा का इमेज है, ये मोनालिसा का इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये विभिन्न एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये देखिए मोनालिसा, ये है मोनालिसा की पेंटिंग्स जिसको लियोनार्डो दाविंची ने बनाया था, किसने बनाया था, लियोनार्डो दाविंची। ये इतिहास में पुनर्जागरण काल के दौरान, पुनर्जागरण करके दौरान जब यूरोप में पुनर्जागरण का समय चल रहा था, तो उस समय इस चित्रकारी को बनाया गया था, और ये आज भी बहुत महंगी पेंटिंग के रूप में इसको रखा गया है। ये है मोनालिसा, ये मोनालिसा की पेंटिंग है जो जो लियोनार्डो दाविंची ने, और द लास्ट सपर, लास्ट सपर भी किसने बनाया था, लियोनार्डो दाविंची ने, और एक और था जो मैडोना, मैडम मैडोना या मैडोना का चित्र किसने बनाया था भाई, तो मैडोना का चित्र बनाया था राफेल ने, एक राफेल थे, इटावली थे, और इसी के साथ में माइकल एंजेलो, डेविड और पियथा, माइकल एंजेलो जो मूर्ति है वो डेविड और पियथा जो मूर्ति है माइकल एंजेलो ने उसको बनाया था। तो चलिए ये थोड़ा सा आप लोग पिक्चर वगैरह देख लीजिएगा, लियोनार्डो दाविंची नाम जरूर याद रखिएगा, लियोनार्डो दाविंची, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुका है, राफेल, पूनम मलिक राफेल। चलिए तो आज के क्लास मैं यहीं पर रोकूंगा, ये बताइए कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई चीज आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूं बिल्कुल। संजीव मेहरा, वी हैव ऑलरेडी वेल नोन अबाउट दिस
पेंटिंग सर व्हेन वी आर इन आवर चाइल्डहुड डेज. थैंक यू आप सभी लोग जानते हैं. लेकिन बहुत सारे लोग जो यहाँ पे अभी मुझे 60-70 लोग दिख रहे हैं, 60 लोग जो दिख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि कौन सी चित्रकारी किसने बनाई और कैसे बनाई और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. चिनार हुड्डा, थैंक यू गुरुजी, नाइस सेशन जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. यहीं पे इसलिए रोक रहा हूं कि आज का जो टॉपिक था वो हो गया, जितने क्वेश्चन हम लेकर के आए थे वो हो गया, और अभी एक दूसरा इवेंट है इसलिए हम रोक रहे हैं आज यहीं पे. ठीक है, तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. आज के क्लास के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं कल के क्लास, नेक्स्ट क्लास में, कल तो नहीं, मंडे से हम लोग मिलते हैं. और भी बहुत, संडे को भी हम लोगों को मिलना है. संडे को एक स्पेशल मेरा 4 से 6 तक का बैच है जिसमें मैं पूरे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में लेकर के आया हूं, तो आप लोग हमसे जुड़ना ना भूलें. रजत चौहान, दोबारा देखूंगा, मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेट हो गया तो दोबारा देख लेना. और सत्य भाई टाटा, चलिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. और संडे के दिन 4 से 6 भारत के जितने भी गवर्नर जनरल हैं और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है वो सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूं. 2 घंटे की क्लास होगी, तो इसलिए लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़ना न भूलें. और सभी लोगों को इसके बारे में बताएं. बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, जिसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके बैक ईयर के भी हैं, कई सारे मेरे द्वारा बनाए गए हुए भी हैं, और जिनकी संभावना है कि जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कहीं ना कहीं. तो वैसे भी क्वेश्चंस को मैं लेकर के आ रहा हूं, तो अब धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ समझ में आने लगेगा और लगातार हमारे साथ आप लोग जुड़ते चलिए. लेकिन बस यही एक थोड़ा सा है कि वाचिंग जो है ना, लाइव वाचिंग, इसकी संख्या कम है मेरे क्लास में इतिहास में. या तो आप सभी लोग इतिहास पढ़ चुके हैं या फिर इतिहास को आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, इसीलिए वाचिंग की यहाँ पे संख्या कम है. तो कोशिश कीजिए इसके बारे में सबको बताया जाए. सर बता दो प्लीज कौन सी किताब पढ़े. मैंने बताया तो आप लोग वो ले लीजिए, यहां से जो मेटेरियल मिल रहा है ये है, एग्जामपुर का जो मेटेरियल मिल रहा है वो भी है, और इसके साथ में आप लोग एक लूसेंट का जरूर ले लें, लूसेंट का जरूर ले लें. ठीक है, तो लूसेंट से आपका काम हो जाएगा. तो चलिए आज के लिए हम यहीं पे रोकना चाहते हैं. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का.